हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव। और प्रोग्रामिंग ऑफ ट्री के सीरीज में आज हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में देखेंगे। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हमें लेवल वाइज नोड्स को प्रिंट करना होता है। तो इसके बारे में आपको शायद जानकारी होगी कि जैसे ये ट्री है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि ये जो रूट नोड है हमारा, वो 0 लेवल पे है। रूट के जो चिल्ड्रेन हैं वो लेवल नंबर 1 पे हैं। इन चिल्ड्रंस के और जो चिल्ड्रंस हैं, दोज आर एट लेवल 2। एंड इसके नीचे इन नोड्स के या लेवल 2 के जो नोड्स हैं, उनके जो चिल्ड्रंस हैं, वो हमारे लेवल 3 पे हैं। तो अगर हमें नोड्स की प्रिंटिंग करनी है तो कैसे होगा? सबसे पहले हम रूट नोड को प्रिंट कर देंगे, एंड देन हम रूट के लेफ्ट चाइल्ड को पिक करेंगे, देन रूट के राइट चाइल्ड को पिक करेंगे, एंड देन इसके बाद हम इनके 2 के लेफ्ट चाइल्ड को एंड देन 2 के राइट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे, एंड देन 3 के लेफ्ट चाइल्ड और 3 के राइट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे, एंड देन हम 4 के लेफ्ट चाइल्ड और 4 के राइट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे, 5 के लेफ्ट चाइल्ड और 5 के राइट चाइल्ड, 6 के लेफ्ट चाइल्ड और 6 के राइट चाइल्ड, एंड देन 7 के लेफ्ट चाइल्ड और 7 के राइट चाइल्ड, इनको हम प्रिंट करेंगे। तो जो ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग हमारी हुई, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इसमें जो रूट नोड है वो हमारा ये है। रूट के जो इमीडिएट चिल्ड्रंस हैं लेफ्ट एंड राइट, ये हैं। 2 के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड 4, 5 हैं। 3 के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड 6, 7 है। इसका मतलब है कि ये लेवल 0 के नोड्स हैं, ये लेवल 1 के नोड्स हैं, ये लेवल 2 के नोड्स हैं, और ये हमारे लेवल 3 के नोड्स हैं, लेफ्ट टू राइट चलते चलते। तो इसका मतलब है कि यही हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो इस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को प्रिंट करने के लिए हमें एक क्यू का सहारा लेना पड़ेगा, या इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक क्यू की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यू है, और इस क्यू में हम रूट नोड को डाल देते हैं। तो हमारा जो रूट नोड है वो 1 है, तो 1 को हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। जो डिमार्केशन है उनको हटा देता हूँ अभी इस ट्री से, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। और इस ट्री में हम सबसे पहले रूट नोड को इंसर्ट कर देते हैं। तो अगर हमने रूट नोड को इसमें इंसर्ट किया क्यू में, और उसके बाद हम इस नोड को डिलीट भी कर देते हैं और उसके इमीडिएट चिल्ड्रंस को देखते हैं, पहले लेफ्ट को देखते हैं, तो 1 का लेफ्ट है 2 और 1 का राइट है 3। हम इन दोनों को भी क्यू में डाल देते हैं, एंड देन इस 1 को प्रिंट कर देते हैं। देन हम 2 को डिलीट करते हैं, और 2 के जो इमीडिएट चिल्ड्रंस हैं वो 4 एंड 5 है। लेफ्ट चाइल्ड को पहले डाल देते हैं क्यू में और राइट चाइल्ड को बाद में क्यू में डालते हैं। फिर हम 2 को प्रिंट कर देते हैं। देन हम इस क्यू से 3 को डिलीट करते हैं और 3 से कनेक्शन देखते हैं लेफ्ट और राइट को। सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड 6 है और राइट चाइल्ड 7 है, इसको हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया, 3 को प्रिंट कर दिया और 4 को फिर डिलीट किया। तो 4 को डिलीट करने के बाद 4 से कनेक्शन लेकर 4 के लेफ्ट चाइल्ड 8 है, उसको हमने क्यू में इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ गलती से लिख दिया। तो इसके जो चाइल्ड हैं 4 के लेफ्ट चाइल्ड, सबसे पहले 4 का लेफ्ट चाइल्ड है हमारा 8, इसको हम क्यू में डालते हैं, और 4 का राइट चाइल्ड 9, 4 को हम प्रिंट कर देते हैं, एंड देन 5 को डिलीट करते हैं और 5 से लेफ्ट चाइल्ड देखते हैं, दैट इज 10, और राइट चाइल्ड इसका है 11। दोनों को हमने क्यू में 1 बाय 1 इंसर्ट कर दिया और 5 को हम प्रिंट कर देते हैं। देन हम 6 को पिक करते हैं और 6 से कनेक्शन देखते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड है 12 और राइट चाइल्ड है 13, दोनों को क्यू में डाल देते हैं और 6 को हम प्रिंट कर देते हैं। देन 7 से कनेक्शन देखते हैं, 7 के लेफ्ट चाइल्ड में 14 है और 7 के राइट चाइल्ड में 15 है, इन दोनों को हम क्यू में इंसर्ट कर देते हैं, एंड देन 7 को हम प्रिंट कर देंगे। देन इसके बाद 8 को हम डिलीट करते हैं, 8 से कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है इसलिए हम 8 को प्रिंट कर देते हैं। 9 से भी कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, 9 को प्रिंट कर देते हैं। 10 को डिलीट करते हैं, और 10 के राइट लेफ्ट राइट चाइल्ड दोनों नहीं है, 10 को प्रिंट कर देते हैं। सिमिलरली 11 का भी कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, 12 का भी कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, 13 का भी कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, 14 का भी कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, और 15 का भी कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। इस 15 के डिलीशन के बाद हमारा क्यू एम्प्टी हो जाता है, और इसी का हम वेट कर रहे थे। जैसे क्यू हमारा एम्प्टी होगा, हम बताएंगे कि ये जो हमने प्रिंटिंग की, यही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, और इसको बहुत ही आसानी से हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं, एंड देन इस एल्गोरिथम के बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे C++ STL का यूज करते हुए। तो हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करना है। सो मान लेते हैं कि दिस इज द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल नेम्ड फंक्शन, और इस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में मुझे एक रूट नोड गिवन है, लेट्स से दैट रूट नोड इज T। तो हमें क्यू लेने की जरूरत है, लेट्स से वी आर टेकिंग अ क्यू,
और इस क्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि इस क्यू में इनिशियली हमारे कोई भी एलिमेंट्स ना हो। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस क्यू में जो रूट नोड है उसको इंसर्ट कर देते हैं। सो लेट्स से एन क्यू इज द नेम ऑफ द फंक्शन, जिससे कि हम क्यू में इंसर्शन करते हैं, तो क्यू में हम रूट नोड को इंसर्ट कर देते हैं। एंड देन इसके बाद जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगा हमारा प्रोसेस चलता रहे। सो व्हाइल नॉट इज एम्प्टी क्यू विल कीप ऑन डूइंग अवर प्रोसेस। और इसमें से सबसे पहले मुझे एक नोड डिलीट करना है क्यू से। लेट्स से डिलीशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है डी क्यू, क्यू से हमने डिलीट किया और डिलीटेड आइटम को हमने एक्स में ले लिया। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये जो डिलीटेड नोड है इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर एक्स का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, इफ एक्स डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे इस नोड को क्यू में एन क्यू कर देंगे। सो एन क्यू या इंसर्ट कर देंगे क्यू में एक्स डॉट लेफ्ट को। सिमिलरली हम ये भी चेक कर लेंगे कि जो गिवन नोड जो हमने डिलीट किया है क्या उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है क्या। सो अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उसका राइट नल नहीं होगा और इस नोड को हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे। सो एन क्यू कर देंगे क्यू में एक्स डॉट राइट को। जब एन क्यू का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एन क्यू ऑपरेशन दोनों लेफ्ट और राइट के लिए कंप्लीट हो जाएगा, या फिर हम ये लेफ्ट और राइट दोनों चेक कर लेंगे। तो देन उसके बाद हम प्रिंटिंग करके इंश्योर कर लेंगे कि यही हमारा लेवल ऑफ ट्रैवर्सल में नोड है जो करंट स्टेज में ये प्रिंट होना चाहिए। जिस ऑर्डर में ये प्रिंटिंग्स होंगी वही हमारा लेवल ऑफ ट्रैवर्सल। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ ट्रैवर्सल। लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस यूजिंग द सी प्लस प्लस एसटीएम। सो ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग लेवल ऑफ ट्रैवर्सल को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस लेवल ऑफ ट्रैवर्सल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक ट्री पहले से बना हुआ है। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियो देख ली है डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री कोडिंग की, जिसमें हमने तीन फील्ड्स का यूज किया है ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक है डेटा, एक है लेफ्ट नोड फील्ड और एक है राइट एड्रेस फील्ड। सो ये दोनों एड्रेस फील्ड्स हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट में नोड्स होंगे और हमें उन्हें नोड्स का एड्रेस रखना होगा। फिर हमने एक क्रिएटरी फंक्शन भी बनाया था। आपको याद होगा कि क्रिएटरी फंक्शन यूजर डिफाइंड ट्री क्रिएट करने का काम करता था। यूजर की चॉइस के हिसाब से ये ट्री क्रिएट कर देता। फिर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये भी बड़े ही सिंपल से फंक्शंस हैं। इनकी इस जगह पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें केवल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इंप्लीमेंट करने का है। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्यू की जरूरत है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यू है और एसटीएल का हम यूज कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि क्यू नाम से एक एसटीएल होता है जिसमें आप यूजर डिफाइंड टाइप का कोई भी क्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें नोड्स को रखने की जरूरत है क्योंकि हम उसी नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को रेफर करेंगे। तो जिस नोड को हम क्यू में डाल रहे हैं उसके लेफ्ट उसको जो हम डिलीट करेंगे तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हम रेफर करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड को रेफर करने वाले हैं तो हमें इसका जो टाइप लेना चाहिए वो स्ट्रक्ट नोड स्टार लेना चाहिए। तो क्यू एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है इसका क्यू का, और इसमें सबसे पहले रूट नोड को हमने इंसर्ट कर लिया। जब तक हमारे क्यू की साइज जीरो ना हो जाए, इसका मतलब है कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, तब तक हम अपने प्रोसेस को करते रहेंगे। हमें क्या करना है, क्यू से फ्रंट एलिमेंट को पिक करना है एक्स में। एक्स हमारा एक टेम्पररी पॉइंटर है जिसमें कि हम जो फ्रंट पे क्यू में एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम पिक कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो क्यू में इंसर्शन क्यू में जो डिलीशन प्रोसेस होता है उस डिलीशन ऑपरेशन को हम पॉप से कर सकते हैं, लेकिन पॉप कोई भी आइटम रिटर्न नहीं करता है सी प्लस प्लस एसटीएल के रेस्पेक्ट में। तो हमें पहले टॉप एलिमेंट की जरूरत पड़ी या फिर हमें फ्रंट एलिमेंट की जरूरत पड़ी। तो हमने सबसे पहले फ्रंट एलिमेंट को सेव कर लिया एक्स वेरिएबल में, और उसके बाद फिर हमने जो एलिमेंट डिलीट किया है उसी के डेटा को प्रिंट कर दिया। हालांकि एल्गोरिथम में हमने इसको एंड में लिया था, तो चलिए हम इसको एंड में ले लेते हैं एज ए लास्ट स्टेटमेंट। हमने इसको पिक कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने नोड डिलीट किया है उसके लेफ्ट चाइल्ड को रेफर करना है, देखना है कि क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर लेफ्ट नॉट नल है इसका मतलब लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो उस लेफ्ट नोड को हम क्यू में इंसर्ट कर लेते हैं, एन क्यू कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं। एसटीएल के रेस्पेक्ट में जो इंसर्शन प्रोसेस होता है उसको पुश कहते हैं। इसी तरह से हम राइट चाइल्ड को भी चेक कर लेंगे, और अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता होगा तो हम राइट चाइल्ड को क्यू में पुश कर देंगे। जब हम इसके लेफ्ट और राइट दोनों को देख लेंगे तो हम डेटा को प्रिंट कर देंगे इस नोड के। डेटा का जो प्रिंटिंग का जो ऑर्डर है उसको एक स्पेस से हम सेग्रीगेट कर देते हैं। तो ये जो हमारा लूप है वो तब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, और जैसे ये लूप फिनिश होगा जो भी ऑर्डर प्रिंट हुआ होगा वही हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। सो आइए इसको हम लोग मेन में भी देखते हैं कि मेन में जस्ट एक सिंगल लाइन से
हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन फॉर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। रन करके देखते हैं इसको। तो ये मेरा ट्री है, इसके आधार पे मैं एंट्री कराते हैं। तो वन मेरा रूट नोड है, वन का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, वन का लेफ्ट है टू, टू का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, टू का लेफ्ट है फोर, फोर का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज एट, एट का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, एट का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, फोर का राइट एग्जिस्ट करता है, दैट इज नाइन, नाइन का लेफ्ट नहीं है, नाइन का राइट नहीं है, टू का राइट है, टू का राइट है फाइव, फाइव का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, फाइव का लेफ्ट है टेन, टेन का लेफ्ट नहीं है, टेन का राइट नहीं है, फाइव का राइट एग्जिस्ट करता है, फाइव का राइट है इलेवन, इलेवन का लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, वन का राइट एग्जिस्ट करता है, वन का राइट है थ्री, थ्री का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, और थ्री का लेफ्ट है सिक्स, सिक्स का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज ट्वेल्व, ट्वेल्व का लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, सिक्स का राइट है, सिक्स का राइट है थर्टीन, थर्टीन का लेफ्ट नहीं है, थर्टीन का राइट भी नहीं है, थ्री का राइट है, थ्री का राइट है सेवन, सेवन का लेफ्ट यस है, उसका है लेफ्ट है फोर्टीन, फोर्टीन का लेफ्ट नहीं है, फोर्टीन का राइट नहीं है, सेवन का राइट है, सेवन का राइट है थर्टीन, सॉरी फिफ्टीन, फिफ्टीन का लेफ्ट नहीं है, फिफ्टीन का राइट नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे ट्रैवर्सल्स हैं, और इसमें जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल वो लास्ट वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ये हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल अभी अभी हम लोगों ने देखा, बड़ा ही आसान है इसको सी प्लस प्लस एसटीएल से इम्प्लीमेंट करना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट व्यू और राइट व्यू हम कैसे फाइंड करते हैं किसी बाइनरी ट्री का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।